इस वीडियो में एनसीईआरटी 10th क्लास विज्ञान अध्याय 7 नियंत्रण एवं समन्वय, इस अध्याय के पेज नंबर 136 का आज हम लोग सभी प्रश्न समझ के साथ करेंगे। तो पहला प्रश्न है, पादप हार्मोन क्या है। बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि पादप हार्मोन क्या है। तो देखिए, समझ लिया जाए पहले, जो पादप अर्थात पौधे होते हैं उनमें भी कुछ क्रियाएं होती हैं जो उन्हें समन्वयित करते हैं तथा उन्हें नियंत्रित करते हैं। अब ये कैसे होता है, पादप तो चलते नहीं हैं, ठीक है चलते नहीं हैं, किंतु बढ़ते हैं, उनमें वृद्धि होती है और वो भी कुछ नियमानुसार वृद्धि होती है। जैसे पौधे पे अधिक छाया आ रहा हो तो वो पौधा टेढ़ा होकर धूप की ओर निकल जाता है, तो ये भी एक समन्वय है। पौधे का गमला यदि गिर जाए तो उसका कुछ तना कुछ दिन बाद अपने आप ऊपर की ओर हो जाता है, तना मुड़ जाता है, ये भी एक समन्वय है। और उसका जड़ नीचे की ओर अपने आप जाता है। एक और होता है जलानुवर्तन, अर्थात पौधे का जड़ अपने आप जल की ओर मुड़ जाता है। तो ये सब बातें हैं, या देखते होंगे आप कि जो कद्दू जैसे पौधे होते हैं जिनमें प्रतान अर्थात रेशे निकले होते हैं, वे किसी वस्तु को बांध लेते हैं और ऊपर की ओर सहारा लेकर चलने लगते हैं, बढ़ने लगते हैं। तो यही सब है पादप में नियंत्रण तथा समन्वय, और ये कौन करता है, ये ही पादप हार्मोन करते हैं। तो कैसे लिखेंगे, वैसे रसायन जो पादप का अनुरक्षण तथा समन्वय करते हैं पादप हार्मोन कहलाते हैं। कुछ पादप हार्मोन के नाम निम्नलिखित हैं, ऑक्सिन हार्मोन, जिबरेलिन हार्मोन, साइटोकाइनिन हार्मोन। तो ये तीनों वृद्धि हार्मोन के भी नाम से जाने जाते हैं और ये पौधे को समन्वयित करने का कार्य करते हैं। ये भी कह सकते हैं कि उस तरह का रसायन जो पौधे को नियंत्रित तथा समन्वयित करता है हार्मोन कहलाता है, और एक दो हार्मोन का नाम लिख देंगे। दूसरा प्रश्न, छुई मुई पादप की पत्तियों की गति प्रकाश की ओर प्ररोह की गति से किस प्रकार भिन्न है। अब देखिए, छुई मुई एक पौधा होता है जिसे छू देने पे सभी पत्तियां मुरझा जाते हैं। कह रहा है कि इसमें और प्रकाश की ओर, जैसे अभी हमने पहले प्रश्न में उदाहरण दिया कि कोई पौधा सूर्य के प्रकाश की ओर अपने आप मुड़ जाता है, तो इनमें दोनों में अंतर क्या है, एक दूसरे से भिन्न कैसे हैं, तो आइए समझते हैं। देखिए, छुई मुई है ये एक उद्दीपन प्राप्त करता है, जैसे ही छुआ जाता है वो मुरझा जाता है। इसमें होता क्या है कि जो आधारीय ऊतक होते हैं उस पत्तियों से जल ऊपर की ओर अवशोषित कर लेते हैं, फलस्वरूप पत्तियां मुरझाई हुई मालूम पड़ती हैं। अब ये जो प्रकाश की ओर प्ररोह की गति है, तो ये ऑक्सिन हार्मोन के कारण पौधे का प्ररोह प्रकाश की ओर मुड़ जाता है और ये प्रकाश की ओर गमन करने लगता है, वृद्धि प्रकाश की ओर होने लगती है। तो इन दोनों में यही अंतर है। छुई मुई के गति को अकुंचन गति कह सकते हैं, क्योंकि ये उद्दीपन प्राप्त करके पत्तियों से जल वापस ले लिया जाता है, फलस्वरूप पत्तियाँ मुरझा जाती हैं, तो ये गति हुई मुरझाने वाली। लेकिन ये जो होता है, जो ऑक्सिन हार्मोन के स्राव के कारण प्ररोह प्रकाश की ओर वृद्धि करने लगता है, बढ़ता भी है, तो ये एक अलग तरह की गति है। लिखेंगे कैसे, छुई मुई पादप में पत्तियों की गति अकुंचन गति कहलाती है। पत्तियों को जैसे ही छुआ जाता है उसे उद्दीपन प्राप्त होता है और अनुक्रिया के रूप में पत्तियों से सारे जल का अवशोषण ऊपर की ओर कर लिया जाता है, फलस्वरूप पत्तियां मुरझा जाती हैं, किंतु प्रकाश की ओर प्ररोह की गति प्रकाशानुवर्तन कहलाता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, प्रकाशानुवर्तन क्या है, कई बार परीक्षा में आ चुका है, तो ये लाइन लिखेंगे। इस क्रिया में प्ररोह को प्रकाश के रूप में उद्दीपन मिलते ही उसके विपरीत ओर ऑक्सिन हार्मोन का स्राव होता है, फलस्वरूप कोशिकाओं में वृद्धि होती है और प्ररोह मुड़ने लगता है। इस तरह से लिखेंगे। तीसरा प्रश्न छोटा है किंतु इम्पोर्टेंट है, एक पादप हार्मोन का उदाहरण दीजिए जो वृद्धि को बढ़ाता है, अर्थात पौधे में वृद्धि होती है, वृद्धि को बढ़ाना का अभिप्राय यही है। पहले प्रश्न में देखा कि वृद्धि हार्मोन
ऑक्सिन, साइटोकाइनिन, जिबरेलिन, तो उसमें से किसी एक का नाम लिख देंगे। ऑक्सिन एक ऐसा पादप हार्मोन है जो पौधे में वृद्धि के लिए उत्तरदायी है, अर्थात इसी के कारण पौधे में वृद्धि होती है ऑक्सिन। चौथा प्रश्न, किसी सहारे के चारों ओर एक प्रतान की वृद्धि में ऑक्सिन किस प्रकार सहायक है। अब देखिए, वही प्रतान जो अभी हम लोगों ने बात किया कि जो लत्ते वाले पौधे होते हैं, जैसे कद्दू का, कोहड़ा का, खीरा का, ये सब जो होता है तो उनमें से रेशे निकलते हैं और वो अपने सहारे को बांध लेते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। तो इसमें कह रहा है कि किस प्रकार ऑक्सिन हार्मोन स्रावित सहायक है। तो देखिए, एक उदाहरण से समझते हैं। जैसे ये कोई सहारा हो गया, अर्थात लकड़ी हो गया, और इसको मान लिया जाए कि ये प्रतान है पौधे का। अब ये इसमें जैसे ही टच होगा, ये जैसे ही इसमें टच होगा, इसका ऊपर, ये जो ऊपर का भाग है, इसमें यहाँ पर ऑक्सिन हार्मोन स्रावित होगा। अब ऑक्सिन हार्मोन स्रावित होगा तो ऑक्सिन का काम है बढ़ाना, यहाँ की कोशिकाएँ बढ़ेंगी, मोटी होने लगेंगी, तो नतीजा क्या होगा, ये जो प्रतान है ये नीचे की ओर मुड़ना शुरू हो जाएगा, ये नीचे की ओर, क्योंकि आप जानते हैं कि एक वृत्त में जो बाहर का भाग है उसका व्यास ज़्यादा होता है और अंदर का कम होता है, तो ये बाहर का बढ़ने लगा तो अंदर अपने आप मुड़ने लगेगा और इसको, इस सहारे को ये घेर लेगा और यही क्रिया होती जाएगी, तो इसे स्प्रिंग जैसा घेरा बना लेगा। तो इसी तरह से ऑक्सिन हार्मोन स्रावित होता है जिधर उद्दीपन मिलता है उसके विपरीत साइड, और पौधे का प्रतान उसे चारों तरफ से घेर लेता है। लिखेंगे, पौधे के प्रतान को जैसे ही उद्दीपन प्राप्त होता है तो उसके विपरीत भाग में ऑक्सिन हार्मोन स्रावित होता है, फलस्वरूप उधर कोशिकाएं वृद्धि करती हैं और प्रतान उद्दीपन प्राप्त होते हुए वस्तु को लपेटने लगता है और इसे अपना सहारा बनाता है। अब इम्पोर्टेंट प्रश्न है, जलानुवर्तन दिखलाने के लिए एक प्रयोग की अभिकल्पना कीजिए। तो प्रश्न का उत्तर बड़ा लंबा है, समझना भी है, तो ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा। तो इस प्रश्न को इस वीडियो के अगले भाग में देखते हैं। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।